हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप पुष्पा मूवी को कैसे बिल्कुल आसानी से फुल एचडी क्वालिटी में देख सकते हो। आप सब तो जानते हैं आजकल पुष्पा मूवी का क्रेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और इस मूवी को देखने के लिए लोगों के मन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप पुष्पा मूवी को कैसे बिल्कुल आसानी से फुल एचडी क्वालिटी में देख सकते हो। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के टॉप में एक लिंक दे दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने ऐसा कुछ ओपन होगा। तो इसके बाद आपको सबसे टॉप वाले पेज पर देखो freshersrequirement.com इसी पर क्लिक करना है। सबसे टॉप पर freshersrequirement.com इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है मूवीज सर्च, यही मूवीज सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद हमें सर्च करना है पुष्पा सर्च करना है। यहाँ पर देखो नीचे पुष्पा द राइज फुल मूवी आ गया, इसी पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर नीचे देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से देख सकते हो। अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हो तो आप ऑनलाइन देख सकते हो और ऑफलाइन देखना चाहते हो तो आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हो। तो आपको इस यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद हमें वेट करना है 10 सेकेंड। और यहाँ पर आ गया देखो सबसे ऊपर पुष्पा द राइज मूवी, इसी पर क्लिक करना है पुष्पा द राइज मूवी। इसके बाद फिर से हमें 10 सेकेंड वेट करना है। आप इस तरीके से बिल्कुल फ्री में पुष्पा मूवी को फुल एचडी क्वालिटी में देख सकते हो। वेट कर लो, फिर देखो यहाँ पर फिर से डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, हमें डाउनलोड पर क्लिक करना है। और इसके बाद देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, एक डाउनलोड वीडियो और दूसरा प्ले ऑनलाइन। अगर आप इसे डाउनलोड करके ऑफलाइन में देखना चाहते हो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप इसे ऑनलाइन में देखना चाहते हो तो आप इसे यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन देख सकते हैं। तो जो भी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो फुल 1.6 GB की ज़रूरत है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डाउनलोड करके रखिए तो आप जब चाहे तब इसे देख सकते हैं ऑफलाइन में। दोस्तों इस मूवी को हमने बहुत मुश्किल से साइट पर अपलोड किया है केवल आप सबके लिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।